मैं शेयर कर रही हूँ चना मसाला की रेसिपी। मम्मी सही बोल रही है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नई व्लॉग में। तो आज बहुत दिनों बाद थोड़ा फेस ठीक है तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। और आज मेरे व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ चना मसाला की रेसिपी। और इसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये देखो मैंने प्याज अदरक लहसुन पीस के रख लिया है, टमाटर और हरी मिर्ची भी इसमें पीस के रख ली है। ये लिफाफा इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो थ्रेड होता है कहते हैं इसको पानी में नहीं लगाना चाहिए, ये जल्दी खराब हो जाता है। तो हम इसको ये लिफाफे को लगा के इसको ग्राइंड कर लेते हैं, फिर लिफाफा वॉश करके रख लेते हैं तो ढक्कन पे पानी नहीं लगता, हमारा ढक्कन सेफ रहता है। और कुछ मैंने खड़े मसाले निकाले हैं, थोड़े थोड़े ही निकाले क्योंकि मुझे ये मुंह में आते अच्छे नहीं लगते। ये हींग है, एक इलायची है, चार काली मिर्च, एक लौंग और एक तेज पत्ता। तो ये हमारे खड़े मसाले हैं और ये कुछ नॉर्मल मसाले जो हमारे मसालादानी में है वो है। तो जैसे भी रेसिपी बनती है मैं आपको दिखाऊंगी। ये है वाइट चने और इनको मैंने पूरी रात हल्का सा नमक और हल्का सा बेकिंग सोडा डाल के भिगो के रखा था। और इनको उबालना नहीं है, अगर इनको हम उबाल लेंगे तो फिर ये ना बहुत ऐसे मतलब जैसे हलवा होता है ना उस टाइप से थोड़े हो जाते हैं, तो बिल्कुल उबालना नहीं है। थोड़ा गर्म पानी में इनको रख के हाफ बॉईल जैसा करेंगे। यहाँ पे अब तड़का रेडी करने जा रहे हैं। अच्छा पहले लहसुन डाल दिया, अच्छा उससे पहले गर्म मसाला डाल दिया, फिर वीडियो कौन बनाएगा, कौन सी रेसिपी शेयर कर रहे हो आप, बैठ के अपने आप बना के बोल दो कि बन गया। उसमें रेसिपी क्या है, एक तो सालों बाद एक वीडियो बनानी वो भी ऐसी। वीडियो बनाओ ना। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, फिर बोलने का काम तो आपका है ना। हाँ, खड़े मसाले तो दिखाए थे पहले, वो थोड़े से भुने, उसके बाद ये अदरक लहसुन डाल दिया। ओके, तेल ज्यादा नहीं डल गया? नहीं नहीं, ये देखो प्याज भी बहुत है। प्याज फिर थोड़ा हल्का काटना था, इतना बारीक क्यों काटा है? ये अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छी। और ये नई हमारी मसाला दानी है, अच्छी लग रही है। तो अभी हमारा प्याज जो है थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन होने लग गया है, तो इसको हमने अच्छे से पकाना है। ये देखो इसको गोल्डन होने देना। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, नमक, नमक मैं थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि माजी को थोड़ा कम नमक पसंद है, तो नमक मैं डर डर के डालती हूँ कहीं तेज़ ना हो जाए। और चने गर्म पानी के साथ उबल रहे हैं और यहाँ घी ठंडा हो रहा है जो मम्मी ने निकाला है। नमक डाल के थोड़ा सा हिलाया, नमक डालने से क्या होता है कि प्याज थोड़ा जल्दी पकने लग जाता है, अगर कच्चा होगा भी तो पक जाएगा। अब डालते हैं हल्दी, और हल्दी भी हमने थोड़ी सी डालनी है स्वाद अनुसार। ये सारे मसाले तो अंदाजे से ही होते हैं, अंदाजे से डाले जाते हैं, ना ज़्यादा ना कम। तो मैं एक एक मसाला हिलाती हूँ क्योंकि मुझे ये डर लगा रहता है कि जल ना जाए, जल ना जाए, क्योंकि मैं थोड़ा आज इसको लो फ्लेम पे नहीं मीडियम फ्लेम पे ही पका रही हूँ। और अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च, ये देगी मिर्च है जो कलर्स के लिए होती है, तो इससे तीखा नहीं होता सब्जी में, बस ये कलर देती है। तो ये हमारी देगी मिर्च चली गई। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला थोड़ा सा, ये गरम मसाला मम्मी ने खुद घर पे बनाया हुआ है, मार्केट से नहीं लिया है। तो गरम मसाला डालने के बाद ये जो है ये है जीरा पाउडर, जीरा को भून के मम्मी ने पीस के रखा हुआ है और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है सब्जी में, तो ये मैंने डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मेरे को सासू माँ जी बोलते हैं कि सबसे ऊपर से ग्राइंड करके डाला करो तो वो अच्छा फ्लेवर देती है, तो अभी हरी मिर्ची ऊपर से डाली है और टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं इसमें ताकि थोड़ा वो खटास सी जो होती है वो अच्छी लगती है। हमारा जो मसाला है वो कुछ इस तरह का लग रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर,
अमचूर। अमचूर डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप से भी थोड़ी खटास और आएगी, और इतना मतलब डालने से बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, हल्का हल्का खटास रहेगी, और चना मसाला में थोड़ा सा ये फ्लेवर अच्छा लगता है। तो मैंने ढाई से तीन चम्मच के आसपास टोमेटो प्यूरी डाली है, ये केचप डाला है इसमें। अभी ये मसाला पक गया था, मैंने थोड़ा पानी डाला है इसमें, ताकि थोड़ा पानी सूखने के बाद थोड़ी लपेट में कहते हैं ना जिसको, थोड़ी ग्रेवी ग्रेवी पतली पतली सी थोड़ी सी रह जाए। तो अभी इसको सेक लगाएंगे। इधर हमारे चने थोड़े हाफ बॉईल जैसे हो गए हैं, ये देखो ये सारी ऐसे ग्रेवी बन गई है। अब हम इसमें चने डालेंगे और इसको उबाला नहीं गया है, जस्ट हाफ बॉइल्ड है। हाँ, मतलब गरम कह सकते हैं, ओवरनाइट सोक किए हुए थे ये। ज्यादा नहीं बना लिए? ज्यादा नहीं बनाएंगे, ज्यादा लग रहे हैं। मम्मी बोल रही थी ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं आप बताओ, अभी चावल के साथ खाएंगे, मैंने उस हिसाब से फिर बना लिए। अगर ज्यादा लगेंगे तो थोड़ा सैलड बना लेंगे इसका। पर उबले नहीं हुए तो अच्छे लग रहे हैं ऐसे कच्चे भी, मैं पहली बार खाया ये। मेरी फ्रेंड है ना, प्रीवियस के पास दुबई गए थे, हाँ। प्लस टू में हमारा जैसे होम साइंस रखी थी हमने, एक कंपटीशन था उसमें ना, हमारे जो होम साइंस की टीचर थी उन्होंने पलवीर को, क्योंकि वो कुकिंग बहुत अच्छी करती थी, तो उसको टास्क दिया था कि तुम चिकपी सैलेड बनाना। चिकपी, इनको चिकपीज कहते हैं ना, चिकपीज। अच्छा, तो उसने इसका सैलेड बनाया था, बहुत टेस्टी। अच्छा, और मैं आर्ट में अच्छी थी, कुकिंग मेरे बस की होती नहीं थी, तो मुझे चार्ट पेपर बनाने के लिए कहा था। टन टन टन, ये देखिए प्रभ ने बना दिया है सलाद, और बन टन 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 सलाद बन गया है। मम्मी एक्साइटेड हो खाने के लिए? हाँ जी। कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हो, कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा होगा, पहले ही अच्छा होगा, ऐसे कैसे सोच सकते हो? पहले सास बनो, सास सोचो कि गलतियां निकालनी है मैंने, कुछ बुरा होगा नहीं, क्यों होगा बुरा, अच्छा होगा। अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा उसमें? खाना अच्छा होगा। अच्छा, चलो देखते हैं मम्मी की जो प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणी है, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो सच साबित होती है कि नहीं होती है, कि खाना अच्छा। मुझे डरा दिया करो, इसमें क्या डरना है, अब तो खाना बन ही गया है, अब क्या डरना है? हाँ, तो अब तो रिजल्ट बताएगा। और चावल भी इतने सारे बना दिए आपने, मम्मी ने दो ग्लास कहा था, कहते हमने अभी खाना खाना खाया नहीं है, और अगर बढ़ जाएंगे कल वो बना के खा लेंगे। क्या वो फ्राइड राइस? वो क्या होता है, फ्राइड राइस? अच्छा, चावलों का तो कोई चक्कर नहीं है। ओहो हो हो, वाह, पर ये चावल के साथ खाने वाले नहीं लग रहे हैं, सूखे सूखे नहीं लग रहे हैं ये? आपको अच्छे लगेंगे, आप खा के देखिए। मैंने खाए हुए हैं सासू माँ जी के हाथ के, ठीक है, मेरे को अच्छे लगते हैं। तो ये आप अपना कुछ नहीं, सासू माँ जी की ही कॉपी कर रही हो, ठीक तो है ना? हर बेटी अपनी माँ की कॉपी करती है। हैं, तो देखो सासू माँ जी की कॉपियां हो रही है, सासू माँ जी देख लो। तो ये थोड़ी मतलब की पूरी ग्रेवी वाली नहीं है, थोड़ा सा सूखी सूखी सी होती है, मगर ये चावल के साथ अच्छी लगती है। तो लेट्स सी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है जैसे इसको मैं हिला रहा हूँ। तो ये चावल भी रेडी है हमारे, और ये पड़े वाइट चने। अगर थोड़ी तरी होती फिर ज्यादा ना अच्छा होता, तरी से बेटर ऐसे लगता है। अगर नहीं लगेंगे तो बना भी देंगे, क्या है पानी का। आपका तो क्या है, आप तो भिंडी के साथ भी रोटी खा ही लेते हो, चावल सच, आप भिंडी के साथ भी चावल खा लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मम्मी के लिए, हाँ जी, चम्मच के हाथ, मम्मी तो हाथ से खाएंगे, मैं भी हाथ से खाऊंगी। मम्मी चम्मच के साथ खाओगे, हाथ से खाओ, हाथ से खाओगे, चम्मच से खाओगे? हाथ से खाऊंगी। किसको? ये मैंने खा लिया है, अभी खाना खाओ मम्मी, बाद में खाना, खाना खाओ आप पहले, ये नींबू निचोड़ लेना, आप खाना खाओ ना पहले, ये मैं नमक। देखा मैंने बोला ना, सास बनो सास, मम्मी बन गई सास, सास भी आप बताने लगी इसमें नमक डाला। बताओ बताओ खाके बताओ, क्या देखा मम्मी ने बोल दिया है कि कच्चे कच्चे लग रहे हैं मेरे को। तो लेट्स सी, ये मम्मी ऐसी होते हैं, खड़े खड़े से होते हैं, हैं? नो नो नो, टा टॉय 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 टॉय। मम्मी ने तो मुंह बना दिया है देख की, देखा
ये कैसे नहीं लग रहे, मगर मेरे को पता है अच्छे बने होंगे ये, क्योंकि मम्मी का टेस्ट वैसा नहीं है। मम्मी को गीला गीला और जब दाल के साथ, हाँ। वो पहले कह रहे थे मेरे को पसंद नहीं, मैं नहीं खाऊंगी ऐसे कैसे। मम्मी पहली प्रेडिक्शन अपनी बना लेते हैं, चलो मम्मी का फैसला है, तो मम्मी का फैसला यही है कि मम्मी को स्वाद नहीं लगे, बिल्कुल भी नहीं स्वाद लगे। नमक कम है क्या कम है कि कच्चे कच्चे लग रहे हैं? अरे मम्मी ये बनते ही ऐसे है, खड़े खड़े से होते हैं ये, उबाले उबाले वो गीले गीले से नहीं होते। उबाले उबाले तो हैं मैंने, पर हाफ बॉइल्ड हैं, खा के चेक तो किए थे हमने, मैंने भी किए। तो ठीक है, मैं भी निरपक्ष होके बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बीवी की तारीफ करूंगा। तो मम्मी ने खाए नहीं है एक्चुअली। टॉपिंग कर लो, अनियन डाल लो, नींबू। हाँ तो मैं अभी खा के देखता हूँ कैसा है, तो मम्मी को तो अच्छा नहीं लगे है, तो लेट्स सी। मम्मी सही बोल रही है, मम्मी सही बोल रही है, मतलब कि जैसे सासू माई ने बनाए थे वैसे नहीं है। ये ज्यादा कच्चे हैं, थोड़े ज्यादा कच्चे हैं, थोड़ा सा तो इनको होना पड़ना था हल्का, मतलब स्वाद लग रहे हैं मगर हल्के से इनको, ये देखो सख्त है ये, ठीक है ओके, उतने हल्के नहीं बने, ठीक है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखता है। एक सीटी और मरवा दो इसको, ये थोड़ा पानी डाल के उसी में वो कर देती हूँ ना कढ़ाई में, कुकर में होएगा। जरूरी नहीं होता है, देखो जी हर शो हिट जाए, है ना, अब इंडिया इतनी लगातार जीत रही थी तो लास्ट में जाके उनके साथ, मतलब कि उनका साथ नहीं दिया गया, किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसी तरह प्रभ इतने दिनों से अच्छा खाना बना रही थी, तो आज उतना अच्छा नहीं बना है, अप टू मार्क नहीं है, अप टू दी मार्क नहीं है, नहीं ठीक है, इतना भी माड़ा नहीं है। हाँ, मगर जो है तो ना परफेक्शन वाली बात, जैसे वो परोठों में थी वो वाली बात नहीं आई। प्रभ और मैं खाने लगे हैं अभी, और बाकी के जो चने बचे हैं उनको दोबारा रख दिया है कुकर में डाल के कि वो और पक जाए। वैसे खाने में ठीक ही लग रहे हैं, मगर उतना, मतलब लगा लो ये अब ये है 50% है ना, 75% होना चाहिए। बढ़िया मसाले तो बहुत स्वाद है, सब ठीक ठाक है, मसाला पूरा परफेक्ट बना था, बस थोड़ा सा चने का हो गया। हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे प्रभ इस मामले में? चलो गलती होती रहती है, कोई बात नहीं। पर मतलब मम्मी ने जो रेसिपी बनाई थी ना, मैंने तो फिर भी इसको बॉईल किया, मम्मी ने बॉईल भी नहीं किया था। हुआ ये, जब मम्मी कह रहे मैंने रात में चने भिगोए थे, मैंने पानी कम डाला था। हाँ। तो सुबह फिर मम्मी ने उसमें और पानी डाला, वो प्रॉपर पूरे सोक नहीं हुए। हाँ, सोक नहीं हुआ। मैंने गर्म पानी पाना था, मैंने ठंडा पा दिया ना। अच्छा, आपने ठंडा पानी डाल दिया? ठंडा ही पाया मैंने, सीधे फिल्टर का। ओहो, तो गलतियां हुई हैं कुछ। पर वो ऐसे वाले नहीं है। हाँ। जैसे पूरे बॉईल भी नहीं करने, जैसे वही बात है 100% पे बॉईल, 75% पे हाफ बॉईल कह सकते हैं, नॉर्मल बॉईल। हाँ। ये है कि ये दबाने से टूटना चाहिए, ये दबाने से टूट नहीं रहा। हाँ। इतना कच्चा है ये, तो सीटी लग के हो जाएगा ये। तो ऐसा नहीं है कि हम अच्छी अच्छी चीजें दिखाएं और कहेंगे बड़ा अच्छा बना दिया हमने, पूरा रियल ब्लॉग है, जैसा हुआ वैसे ही एग्जैक्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। लो जी उबाला दे दिया है दोबारा, तो अब देखते हैं कि होप्स और ठीक पक गए होंगे, मगर मम्मी बताएंगे, देखते हैं जी। चलो जी, लो मम्मी, अच्छा करी फिर भी नहीं हुई, शाम को गर्म पानी डाल के। मम्मी कह रही शाम को गर्म पानी डाल के बनाऊंगी मैं। सही हो गए वो? नहीं वैसे नहीं हुए, 100% नहीं हुए, फट गए वो बीच में बहुत सारे। कैसा है? नहीं अच्छा है, तरी नहीं है। के दोस्तों, जैसी भी थी ये थी मेरी चना मसाला बनाने की कोशिश, और मसाले वगैरह पसंद आए, बस चने थोड़े कच्चे लगे सासू माँ जी को और पतिदेव को, और मुझे भी आपको? हाँ मुझे भी, मैंने बोला मुझे भी। तो अभी हमने उसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा और उसमें पानी डाल के उसको कम गैस पे सीटी लगवाई है, थोड़ी देर पकाया तो उससे पक गए हैं वो। तो ये थी हमारी चना मसाला बनाने की रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, अपने रिव्यूज दे देना, अच्छे बुरे जैसे भी हैं हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और तुमने खाना आया तो दोबारा मुंह में पानी आया तो तुम भी अपने घर में बना लेना।